नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज थम जाएगा यूपी और मणिपुर का चुनावी शोर। आखिरी चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। 8 मार्च को यूपी में 7 जिलों की 40 सीटों और मणिपुर में 22 सीटों के लिए होगी वोटिंग। यादव वोटरों को रिझाने के लिए बनारस में पीएम मोदी का मिशन मंडे। दर्शन के लिए गड़वा घाट पर पहुंचे पीएम मोदी। लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचकर भी उन्हें देंगे श्रद्धांजलि। यूपी में 7वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन रद्द हुई राहुल और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी की सुरक्षा का हवाला देते हुए डीएम ने नहीं दी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत, लेकिन पूर्वांचल में 7 रैलियों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। यूपी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेश नहीं होने पर दिया जा सकता है संपत्ति जब्त करने का निर्देश। प्रजापति पर है महिला से गैंगरेप का आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। कहा, मुस्लिमों की संख्या में हुई है बेतहाशा बढ़ोतरी, इसलिए मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर होनी चाहिए बहस। भारत ने अटारी बॉर्डर पर लहराया 360 फीट ऊंचा तिरंगा। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताते हुए लगाया जासूसी का आरोप। वहीं बीएसएफ ने पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि बॉर्डर से 200 मीटर की ऊंचाई पर है झंडा। और बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 276 रनों पर ऑल आउट। रविंद्र जडेजा ने झटके 6 विकेट, ऑस्ट्रेलिया को 87 रनों की बढ़त। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।